हेलो हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपना मतलब शॉर्ट नोट्स कवर करेंगे अबाउट कॉकरोच। मतलब इसको मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जिन्होंने कॉकरोच ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अब सिर्फ क्विक रिवीजन करने के लिए बैठे हैं। इसमें तुम्हें ना यार सारे कम्प्लीटली शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। जब आप नीट के टाइम पे बैठोगे ना, तो आपको इधर उधर शफल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैंने सारी आपकी एनसीईआरटी की लाइन कवर करी है, पूरा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाया है, बहुत ही शॉर्ट है, और ये विद इन यार 5-10 मिनट में आप ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉकरोच से। कॉकरोच की क्लास कौन सी होती है? एज वी ऑल नो, इंसेक्टा। फाइलम आपका क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। साइज क्या होता है इसका? 1-3 इंचेस। और टाइप कैसा होता है? नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है? जो रात के टाइम एक्टिव होते हैं। ओमनीवोरस मतलब जो कुछ भी खा जाता है, इवन तो ये अपनी खुद की स्पीशी को भी खा जाता है, जिस प्रॉपर्टी से इन्हें क्या बोला जाता है? कैनिबलिज्म। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय, इनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है? हार्ड काइटिनस का एक्सोस्केलेटन होता है। मैंने आपको ऑलरेडी अभी एनिमल किंगडम में एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन बताया था ना, इनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है इसका बना होता है काइटिन का, उसमें नैग होता है एंड एसिटाइल ग्लूसामाइन। ये हम पूरा पढ़ेंगे जब मैं आपको पूरा डिटेल में कॉकरोच पढ़ाऊंगी वन शॉट वाला। ये सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनाया है, इसलिए क्विक क्विक करा रही हूँ आपको। एक्सोस्केलेटन में प्लेट्स होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्लेराइट्स बोलते हैं। स्क्लेराइट्स भी अगर ये डॉर्सल साइड है तो वहाँ पर आपकी कौन सी प्रेजेंट होगी? टर्गाइट प्रेजेंट होगी। अगर आपकी लेटरल साइड है, लेटरल मतलब साइड में, तो वहाँ क्या प्रेजेंट होगा? आपका प्लूराइट। और वेंट्रल साइड पे आपका क्या प्रेजेंट होगा? स्टर्नाइट प्रेजेंट होगा। क्लियर? प्लेट्स जॉइन टू ईच अदर बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये तीनों प्लेट्स जो जॉइन होंगी वो किसकी मेम्ब्रेन की वजह से जॉइन होगी बेटा? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, क्या कॉकरोच की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन। ठीक है, हेड की बात करेंगे। हेड कैसा होता है? ट्रेंगुलर इन शेप होता है। लाइज कैसे करता है? 90% टू दी बॉडी होगा। बीयर्स पेयर्स ऑफ कंपाउंड आईज। कॉकरोच के पास दो टाइप की आई होती है, जो रिवीजन करने के लिए बैठे होंगे दे नो दो टाइप की आई कौन सी होती है। एक होती है सिंपल आई और एक होती है कंपाउंड आई। सिंपल आई को आप क्या बोलते हैं? ऑसिलाई बोलते हैं। कंपाउंड आई में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? 2000 ओमेटीडिया। क्लियर? फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, कौन सी फ्यूजन से बनी हुई है? सिक्स सेगमेंट। देखो, जब ये अपनी एम्ब्रियोनिक वाली स्टेज में था, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉकरोच का जो हेड था उसके पास कितनी थी? सिक्स सेगमेंट्स थी। और जब वो अपनी एडल्ट वाली स्टेज में आया तो सिक्स सेगमेंट फ्यूज करके कितनी बना दी आपकी? एक सेगमेंट बना दिया। ठीक है, एंटीना कहाँ से अराइज हो रहा है बेटा? मेम्ब्रेन सॉकेट से हो रहा है। ये इसका माउथ कैसा होता है? बियर्स बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स। ठीक है, जो लोअर पार्ट्स होता है वहां से आपका क्या अटैच होता है? माउथ पार्ट्स अटैच होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा थॉरिक्स। थॉरिक्स भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। आपका प्रोथॉरिक्स में अगर कोई पूछे लेग्स तो टोटल कॉकरोच के पास कितने टोटल पेयर ऑफ लेग्स होते हैं बेटा? 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब टोटल 6 होते हैं। प्रोथॉरिक्स में आपके 2 होंगे, मीजो में 2 होंगे, मेटा में 2 होंगे। ठीक है, प्रोथॉरिक्स में आपके विंग्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। मीजो से आपके 4 विंग्स अराइज होते हैं, जैसे, और ये कैसे होते हैं बेटा? पेयर्ड होते हैं, और इसे हम टेगमाइना या इलाइट्रा भी बोलते हैं। और हाइंड विंग भी कैसे होते हैं आपके? पेयर्ड बेटा। 4 विंग फ्लाइंग में हेल्प नहीं करते, हाइंड विंग आपके फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, 4 विंग कैसे होते हैं आपके? ओपैक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं। इसे आप दूसरा क्या बोल सकते हो? टेगमाइना, जो मैंने अभी आपको बोला। ये कवर क्या करते हैं? देखो, अगर ये कॉकरोच है, इसके यहाँ से आपके क्या निकले? 4 विंग्स निकल रहे हैं, और पीछे क्या होते हैं? हाइंड विंग्स। तो जो 4 विंग होता है वो हाइंड विंग को क्या करके रखता है? कवर करके रखता है। ठीक है, हाइंड विंग कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और देखो यूज्ड इन फ्लाइट, ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन में टोटल कितनी सेगमेंट्स होती है बेटा? 10 सेगमेंट्स होती है, मेल में भी और फीमेल में भी। एनल सरकाई, देखो एक हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेटा, जिसमें आप देख के मेल और फीमेल का आइडेंटिफाई कर सको कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, एनल सरकाई क्या हो गया आपका? दोनों में होगा, मेल में भी होगा और फीमेल में हो गया, बट ओनली एनल स्टाइल इज प्रेजेंट इन द मेल। याद रहेगा ना, स्टाइल लड़के ही स्टाइल मारते हैं। ठीक है, तो एनल स्टाइल देखो किसमें है? मेल्स में प्रेजेंट है, ओनली इन मेल्स। ठीक है बेटा, इन फीमेल्स, देखो फीमेल्स में वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये ब्रूड या जेनाइटल पाउच बनाए, कैसे बनाए? जो आपकी 7th और 8th और जो 9th सेगमेंट थी उनका फ्यूजन करके आपका क्या बनाए? ब्रूड और जेनाइटल पाउच। 7th सेगमेंट जो होते बेटा उसे क्या बोलते हैं? बोट शेप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको अपना सिक्वेंस याद रखना है। माउथ, माउथ के बाद आपका फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड पता है ना क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? हेपेटिक सीके। हेपेटिक सीके क्या रिलीज करता है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ये आपका माउथ से लेके गिजार्ड तक का जो पार्ट होता है बेटा उसे क्या बोलोगे? फोरगट। क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, फोरगट में आपका माउथ टू गिजार्ड
ठीक है, क्रॉप और गिजार्ड क्या करेंगे बेटा, स्टोर करेंगे फूड को। फिर आपका आता है गिजार्ड में आपके क्या मिले बेटा, हेपेटिक सीके मिले। हेपेटिक सीके क्या करता है बेटा आपका गिजार्ड को, आप दूसरा क्या बोलते हो, प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, हेपेटिक सीके कितने होते हैं टोटल नंबर में, 6 to 8 डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। फिर आपका आता है मेसेंट्रॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडगट। आपके मेसेंट्रॉन में आपको क्या मिलेगा, मालफीजियन ट्यूबल्स मिलेंगे। मालफीजियन ट्यूबल्स 100 से 150 होते हैं नंबर में। ब्लाइंड ट्यूब्स होती है, ब्लाइंड ट्यूब्स आपको पता है जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, और ये कैसे होते हैं, येलो इन कलर होते हैं। और ये किसमें हेल्प करेंगे बेटा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। इलियम, कॉलन और रेक्टम बेटा आपके क्या होते हैं, हाइंडगट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है हमारा। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी हमने आपको पढ़ाया मालफीजियन ट्यूबल्स कितना है बेटा, 100 to 150। ठीक है, कॉकरोच बेटा यूरिकोटेलिक होता है, क्यों, क्योंकि ये यूरिक एसिड को एलिमिनेट करता है अपनी बॉडी के बाहर। ठीक है, मैं वो पूरा बताऊंगी यार कि कौन से सेल होते हैं जिसमें हमारा पोटेशियम यूरेट वगैरह सिक्रेट होता है, बट ये सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, और ये पूरा मोस्टली आपके एनसीईआरटी से मैंने कवर कर दिया। ठीक है, इन एडिशन एक्सक्रीटरी और सिस्टम के अलावा, ये आपके एक्सक्रीटरी है, एक आपकी फैट बॉडीज है, एक आपके नेफ्रोसाइट्स है, और एक आपका यूरिकोज ग्लैंड है। देखो बेटा, मैंने अभी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में आपको क्या बताया, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में मैंने आपको एक एनल स्टाइल बताया, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ एक यूरिकोज ग्लैंड, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा ये, मेल्स में प्रेजेंट होंगे। कहाँ मिलेंगे बेटा, मशरूम ग्लैंड्स में मिलेंगे। ठीक है, ये ऑल्सो किस में हेल्प करेंगे, आपकी एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम देखो बेटा इनके रेस्पायरेशन से बात करते हैं। रेस्पायरेशन में इनके पास क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। मैंने आपको जो एनिमल किंगडम पढ़ा रही थी, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था ना स्पायरिकल्स होते हैं, स्पायरिकल्स के थ्रू क्या होती है, एयर अंदर आती है। देखो ये रेस्पायरेशन के लिए ये क्या है, स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स कितने होते हैं, 10 pairs। अपनी नोज से रिजेंबल करो, नोज के थ्रू एयर अंदर आती है, स्पायरिकल्स के थ्रू भी एयर क्या गई, अंदर गई। ठीक है, फिर आपका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया हमारे पास भी है। फिर हमारा किस में डिवाइड होता है, हमारे पास एल्वोलाई हो जाती है, इनके पास क्या हो गया बेटा, ट्रैकियोल हो गया। ट्रैकियोल इज फर्दर सराउंडेड बाय बॉडी टिश्यू, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पायरिकल्स कितने होते हैं, 10 pairs होते हैं। फिर इनके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, सिंस ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं आपके, आर्थ्रोपोडा, एंड आर्थ्रोपोडा हैव ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको एंथी बताया A4 क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें, और ओपन में और क्लोज में क्या फ़र्क होता है, मैंने आपको बताया था कि ओपन में ब्लड वेसल्स तो प्रेजेंट होती है, बट उनके पास क्या नहीं होती, कैपिलरीज नहीं होती, और क्लोज में आपकी क्या होती है, कैपिलरीज होती है। तो यहाँ पर लिखा है ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, ठीक है, क्या लिखा है, पुअरली डेवलप्ड, और इनके पास कैपिलरीज नहीं होंगी। तो सिंस बेटा ब्लड कहाँ जाएगा, ओपन स्पेसिस में गिरेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हीमोसील। ओके, इनका ब्लड कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है। और क्यों होता है कलरलेस, क्योंकि इनके पास बेटा कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती है, कलरलेस होता है, हीमोसाइट्स होंगे, कलरलेस प्लाज्मा होगा, हीमोसाइट्स होगा, और इनके ब्लड को आप क्या बोलोगे, हीमोलिब। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हार्ट। हार्ट कैसा होता है, इलॉन्गेटेड मस्कुलर ट्यूब की जैसा होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर ये कॉकरोच की बॉडी है तो ये जो मिड डॉर्सल होता है ना, मिड डॉर्सल, ऐसे आपका क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। देखो पोजीशन लिखी हुई है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ दी थॉरेक्स एब्डोमेन। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड होता है कॉकरोच का हार्ट के पास। कॉकरोच के पास कितने चैम्बर्ड होते हैं बेटा, 13 chambered होते हैं। और मिड डॉर्सली आपका क्या प्रेजेंट होता है, दिल। मिड डॉर्सली वाले एरिया में ज़्यादा आपका क्या प्रेजेंट होता है, दिल होता है। और कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, 13 chambers। और जिस ओपनिंग के थ्रू ब्लड अंदर आता है, उस ओपनिंग को बेटा क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, मैं पूरा कराऊंगी ऑस्टिया वगैरह कितने पेयर्ड में होता है कैसा, ये जस्ट शॉर्ट नोट से बार बार यही बोल रही हूँ। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम इनके पास क्या होते हैं, इनके पास फ्यूज गैंग्लियन होते हैं, 3 कहाँ होंगे बेटा, थॉरिक्स में, और 6 कहाँ होंगे आपके एब्डोमेन में। नर्वस सिस्टम लिटिल मतलब थोड़ा पार्ट इसका कहाँ पर है, हेड में, और जो मेनली पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का बेटा, वो कहाँ होता है आपका, वेंट्रल बॉडी में। इसलिए बोलते हैं ना कॉकरोच का अगर हेड कट कर दो तो वो 1 week तक सर्वाइव कर सकता है, क्यों बेटा, क्योंकि उसका थोड़ा पार्ट कहाँ पर है आपका, थोड़ा पार्ट ही ब्रेन में है, मेन पार्ट उसका कहाँ पर है, वेंट्रल साइड। ब्रेन में जो प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, सुप्रा। ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है बेटा, अबव द ईसोफेगस हो गया ना, तो क्या बोला, सुप्रा। सुप्रा मतलब अबव, ईसोफेजियल मतलब अबव द ईसोफेगस, एंड क्या बोलेंगे, गैंग्लियन। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में कॉकरोच के पास क्या होता है बेटा, एंटीना होता है, आई होता है, एनल सर्काई होता है, मैक्सिलरी पल्प होते हैं, और लेबियल पल्प होते हैं। देखो जो मैक्सिलरी पल्प होता है इसे क्या बोलते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर। लेबियल पल्प भी क्या होते हैं, माउथ पार्ट का ही पार्ट है वो, मैक्सिलरी भी माउथ ही पार्ट, माउथ पार्ट ही है।
लेबियल पल्प हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर होती है। एंड एक और बात बताऊँ, जो लेबियल पल्प होती है ना उसे भी हम सेकेंडरी मैगजिला बोल सकते हैं। क्लियर। एनल सरकाई क्या करती है बेटा, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती है, वाइब्रेशन फील कर सकता है, ठीक है। एंटीना आपको पता है कॉकरोच के एंटीना में 3 रिसेप्टर्स होते हैं, टॉक्टाइल, थर्मल, ऑल्फैक्टरी। अब आप बोलोगे टॉक्टाइल का मतलब, टॉक्टाइल फॉर टच, थर्मल फॉर हीट, ऑल्फैक्टरी फॉर स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम कंपाउंड आईज पे। कॉकरोच की आई के बारे में बता रहे हैं, कंपाउंड आई होती है, इसके पास 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। ये सेवरल इमेजेस को करते हैं, हर एक ओमेटिडिया में अलग अलग इमेजेस बनती है, जिस वजह से कॉकरोच का जो विजन होता है वो कैसा होता है, मोजाइक विजन होता है, मोर सेंसिटिविटी होता है और लेस क्या होती है इसमें, रेजोल्यूशन होती है। ये किसका होगा आपका, नॉक्टर्नल का, बिकॉज योर कॉकरोच इज नॉक्टर्नल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, टेस्टिस आपकी कहाँ पर होगी, 4 to 6 एब्डोमेन की सेगमेंट्स पे होगी, इसमें सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वास डिफरेंस, देन सेमेनल वेसिकल्स, देन इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन योर मेल गोनाफोर, ठीक है। कॉकरोच के पास देखो बेटा दो टाइप के, एक मशरूम ग्लैंड्स होता है। मशरूम ग्लैंड क्या है बेटा, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ पर मिलेंगे आपको, 6 to 7 एब्डोमेन सेगमेंट में मिलेंगे। फिर आपके मेल गोनाफोर फाइसिस आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैलोमेयर भी बोलते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं, काइटेनस के कवरिंग होती है इनके ऊपर, ठीक है। देखो स्पर्म्स कहाँ स्टोर्ड होते हैं आपके, सेमिनल वेसिकल में होते हैं। कहाँ होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स में होते हैं। और ये अपने आपको क्या कर लेते हैं, जैसे ग्लू से चिपका देते हैं ना, ऐसे ये ग्लू टुगेदर और ये एक बंडल बना लेते हैं चिपक के आपस में। और इस बंडल को आप क्या बोलते हो बेटा, स्पर्मेटाफोर। फिर स्पर्मेटाफोर डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग दी कॉपुलेशन। जब कॉपुलेशन होता है कॉकरोच का, तो स्पर्मेटाफोर कहाँ जाके करेगा, फीमेल के इस वाले चैम्बर में ये डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। फिर ये फीमेल का हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया। फीमेल के पास 1 pair ऑफ ओवरी होती है, और एक ओवरी में कितने ओवरियोल्स होते हैं बेटा, 8 होते हैं। टोटल कितने हो गए आपके, 16 हो गए, ठीक है। यहाँ से ये क्या होते हैं, यहाँ से दोनों से ओवरी आएगी, तो ये क्या है आपका, कॉमन डक्ट है। ये इसका जेनिटल चैम्बर होता है, ये क्या है, स्पर्मेटिका है। और यहाँ पर कॉपुलेशन के टाइम पर क्या होगा आपका, स्टोर कर, ये स्पर्मेटोफोर जो पैकेट्स इसने बनाए थे वो यहाँ पर क्या कर देगा, कॉपुलेशन के टाइम पे डिपॉजिट कर देगा। देखो स्पर्म ट्रांसपोर्ट कहाँ गए आपके, स्पर्मेटाफोर। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्मेटाफोर दिखाया था ना, ये रहा आपका, ये आपका स्पर्मेटाफोर बना, स्पर्मेटाफोर यहाँ पर फिर डिपॉजिट हुआ, लिखा हुआ है स्पर्म ट्रांसफर्ड हुए। किसके फॉर्म में हुए ट्रांसफर्ड, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था बेटा, स्पर्मेटाफोर, इन्होंने पैकेट्स बना लिए थे। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद कॉकरोच की जो फीमेल थी उसने क्या बनाया, ऊथीका बनाया। क्या बनाया बेटा, ऊथीका बनाया। एक एवरेज फीमेल जो प्रोड्यूस करती है कितने, एक बारी में कितने ऊथीका बनाएगी, 9 to 10 ऊथीका बनाएगी। और उस ऊथीका में कितने होंगे बेटा, 14 to 16 एग होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टाइम में फीमेल कितने ऊथीका बनाती है, 9 to 10 ऊथीका बनाती है, और एग्स कितने होते हैं, 14 to 16 एग्स होते हैं। ऊथीका ग्लूड टू सूटेबल सरफेस। फिर फीमेल क्या करेगी, जो भी ऐसे कोई भी डार्क स्पेस होगा या जहाँ पर कम स्पेस होता है ना, कोई घुस नहीं सकता, तो कॉकरोच उस क्रैक वॉल्स, हाँ क्रैक वॉल्स में ये फीमेल क्या करती है, अपनी ऊथीका को डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। फिर हमारा निम्फ कॉकरोच की, हमने याद है ना, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, और मैंने वहाँ पर तुम्हें पौरा मेटाबॉलस पढ़ाया था। पौरा मेटाबॉलस में क्या होता है कि मैंने बताया था निम्फ के बाद यहाँ पर क्या होगा आपका, एग होगा। एग के बाद वो किस में गया, निम्फ में गया। निम्फ से एडल्ट तक आने में उसे कितनी बार मोल्टिंग करनी पड़ी बेटा, 13 बार मोल्टिंग करनी पड़ती है। निम्फ एडल्ट की तरह दिखता तो है, बट मैंने क्या बताया था कि दोनों सेम तरह से रहेंगे, बट कुछ क्या होता है इनके अंदर डिफरेंस होता है। जैसे जो निम्फ होगा उसके पास क्या नहीं प्रेजेंट होगा बेटा, निम्फ के पास एक तो विंग पैड्स नहीं होंगे, और आपका गोनाड्स नहीं होंगे, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे, आपके एडल्ट में प्रेजेंट होंगे। तो ख़त्म हमारा कॉकरोच, इतना सा ही है कॉकरोच के बारे में, और ये जितने भी हाइलाइट्स पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे करा दिए। अब चैप्टर कराती रहूँगी, पूरा डिटेल में भी कराऊँगी, बस शॉर्ट नोट्स भी बना दूंगी, सो डेट जो रिवीजन कर रहे हैं उनको एक रिवाइज के लिए क्विक इजी हो जाए, ताकि आप नीट के टाइम पर बैठो तो सिर्फ ये नोट्स लो और तुरंत पढ़ लो, क्योंकि मैक्सिमम एनसीईआरटी की सारी लाइंस हमने इसमें कवर करी है। ये पीडीएफ का लिंक मैं शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट चाहिए, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, जिसमें आप ज़्यादा डिटेल में ना हो और आप एक रिवीजन करना चाहते हो, इस तरह की वीडियोस चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल मेक दैट टाइप ऑफ वीडियोस।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।